हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश, आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल ए टू जेड एयरफोर्स ग्रुप सी की। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट यहां पे आ चुकी है और काफ़ी समय से इसका रिजल्ट जो कि यहां पे अटका हुआ था और यहां पे काफ़ी सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और दोस्तों पूरी लिस्ट हमें कैंडिडेट के द्वारा सेंड कर दी गई है और यहां पे आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ और स्किल्स के बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अब वीडियो कम्प्लीट नहीं देखते हैं, इस कारण से उनको कुछ पता ही नहीं होगा। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मैं बताता चलूँगा जिससे आपके स्किल के रिगार्डिंग कोई भी कमेंट यहाँ पे ना रहने चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको अपडेट लगातार कर रहा हूँ जो भी आपके रिजल्ट जारी किए रहे हैं। तो आपकी एयरफोर्स स्टेशन पे आप अगर पेपर दे के आ रहे हो और बेइंदाज दोस्तों आप जो यहाँ पर जुड़ जाइएगा तो आपको सभी अपडेट मिल जाएगी। लगातार हम अपडेट कर रहे हैं और जो भी कैंडिडेट नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा। अपडेट दोस्तों आपको लगातार यहाँ पर मिल रही है और टेलीग्राम पर अभी नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा और दोस्तों आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपके कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए ना दोस्तों, आपको बड़ी लिस्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे सेंटर की दी गई है और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो आपका चंडीगढ़ था उसका लिस्ट मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दिया है और ये लिस्ट किसकी है कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे देख पाएंगे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार फिर से क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया था। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये रिजल्ट लिस्ट है रिटर्न एग्जाम और 23 सितंबर, ये जो लिस्ट है ये दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे 23 अगस्त को ये जो लिस्ट है ये स्टोर कीपर की है और इसमें ये लिस्ट है आपकी कानपुर की, कानपुर की जो यहाँ पे दोस्तों नीचे लिख रखा था लेकिन आपने हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट ने इसको पढ़ा नहीं होगा। देखिए 4BRDAF कानपुर, यानी जो कानपुर की जो लिस्ट बची हुई थी दोस्तों वो भी आपकी यहाँ पे आ चुकी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी सभी की लिस्ट जो लगातार आती रहेंगी और आपको अपडेट हम करते रहेंगे और जो भी आपकी अपडेट आती है लगातार अपडेट करता रहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये जानकारी है जो यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा ही मुझे मिल जाती है, तो आप इसी प्रकार से दोस्तों सभी जुड़ जाइएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए मैं आपको वो लिस्ट दिखाता हूँ कितने सारे कैंडिडेट का नाम आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिस्ट दोस्तों यहाँ पे आपकी आ चुकी है और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये रिजल्ट लिस्ट जो है आपकी अवधि चेन्नई का रिजल्ट आउट हो गया है सर। तो यहाँ पे रिजल्ट जो कि मुझे मिला है और इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के नाम आए हैं, यहाँ पे देख पाएंगे MTS वाले कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं और दोस्तों स्किल की बात करें तो इसमें जो आपकी घास कटिंग हो रही है, सफाई हो रही है और उसके बाद आपके यहाँ पे रनिंग जो उन पर डिपेंड कर रही है कि वो रनिंग करवाए नहीं करवाए, तो ये दोस्तों आपकी MTS की लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पे फायरमैन के भी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पे नाम आए हैं, दोस्तों देख पा रहे हैं ये देखिए फायरमैन के भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं। उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो ये MTS के फिर से कैंडिडेट्स आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे MTS के बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम आए हैं। किन किन कैंडिडेट्स के नाम आए हैं दोस्तों यहाँ पे मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा जिससे मुझे भी पता चल सके कि आप में कितने हमारे साथ लोग जुड़े हैं जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए MTS की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है और मोर कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है, देख लीजिएगा सारे के सारे MTS के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का हुआ है। और देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए कुक वाले कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन की यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है और इसमें एक चीज़ लिखी गई है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, एडमिट कार्ड स्किल टेस्ट सेंड भी बाय पोस्ट एड्रेस, यानी जो आपने जो एड्रेस दिया था उस पर आपको एडमिट कार्ड भेज दिए जाएंगे। अगर हम बात करें दोस्तों अवधि सेंटर की आपके जो है एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, तो एडमिट कार्ड दोस्तों आपके यहाँ पे अवधि सेंटर की बात करें तो दोस्तों थोड़ा टाइमिंग ले रहे हैं तो 15-20 दिन का टाइम आपका लग जाएगा। और जिन कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आ चुका है तो भाई उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन और जिनका भी एडमिट कार्ड नहीं पहुँच पाता है तो दोस्तों आप जो यहाँ पे इन्होंने डेट नहीं मेंशन किया कि आपका कब होगा तो आपको स्किल जो है आपको एडमिट कार्ड के थ्रू ही पता चलेगा। तो जिनका भी एक बार एडमिट कार्ड आए एक बार मुझे शेयर कर देना, नंबर एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ। दोस्तों इस प्रकार से आपको लगातार अपडेट और कंटिन्यू अपडेट और दोस्तों सबसे फास्ट अपडेट आपको मिलती रहती है और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए पेंटर वाले कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है, फिर MTS के कैंडिडेट्स हैं, फिर नीचे अगर स्क्रोल करते हैं तो दोस्तों यहां पे बहुत बड़ी लिस्ट है, कारपेंटर वाले कैंडिडेट्स का यहां पे लिस्ट है और इसके बाद यहां पे MTD वाले कैंडिडेट हैं उनकी भी लिस्ट यहां पे आ चुकी है और
FM, उसके बाद नीचे अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत बड़ी लिस्ट है। देखिए कम से कम 24 पेजों की लिस्ट है और ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिलेगी दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद। अगर मैं दोस्तों देखिए आपके थोड़ी भी लिस्ट में कोई लेट होता है तो आप वैसा माइंड मत किया करो, आपको लिस्ट मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लिस्ट में रख के क्या करूँगा भाई, अपडेट लगातार कर रहा हूँ। देखिए चंडीगढ़ वाले कैंडिडेट थे उनकी भी लिस्ट आपकी आ चुकी थी और उनके भी स्किल के बारे में मैंने बताया था थोड़ा थोड़ा। तो आप दोस्तों इस प्रकार से जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो भी कैंडिडेट नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद।